नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मनीष पॉल और ये है सॉफ एक्सेल डीआईडी लिल मास्टर। पूरी दुनिया का स्वागत है डांस के सबसे बड़े मंच पर और साथ ही स्वागत है हमारे स्किपर्स जय, वृषाली, मयूरेश, अमृता और धर्मेश सर का। और जरा जोरदार तालियां हो जाए भाई हमारे हेडमास्टर्स के लिए, फौरा मैम और संदीप सर। और अब इस मंच पर कोई आने वाला है, हमको कुछ नहीं पता कि कौन आने वाला है, लेकिन 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 इतना मालूम है कि यहां से 5-5 फीट दूर बैठे ये बच्चे जब रात को रोते हैं तो माँ कहती है बेटा चुप हो जा, डीआईडी का गब्बर आज नहीं तो कल जरूर आएगा। प्लीज वेलकम हमारे मास्टर रेबो डिसूजा। सर जी वेलकम वेलकम। पहली बात तो कैसा लग रहा है फाइनली ऑडिशंस के बाद अब मुलाकात आपसे यहाँ पे हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत ही बहुत मैं उत्सुक था यहाँ आने के लिए, क्योंकि ऑडिशन के बाद जब मैंने ये शो देखा स्टार्ट हुआ और जिस तरीके से आप दोनों ने हैंडल किया और जिस तरीके से बच्चों ने परफॉर्म किया, इट्स फैंटास्टिक। और मैं चाह रहा था कि कब आप लोग बुलाएं मुझे वापस इस मंच पे, तो आज आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू बी हियर। प्लीज आप आराम से जरा हमारे हेडमास्टर्स के साथ। थैंक यू। रेवन सर सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पे आए हैं और हम सब बहुत खुश हैं और आज कुछ लोग आपके लिए खास तौर पे कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज हैव अ लुक। चुराने रेमो, प्यार से प्यार जगाने रेमो, हर दिल को धड़काने रेमो, रैंप वॉक रेमो। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि रेमो सर आएंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ आई एम गेटिंग टू सी हिम बैक अगेन आफ्टर सीजन 1। हाय रेमो सर, आप कैसे हो? मेगा ऑडिशन के टाइम हमें आप मिले थे तो आप भी मिले ही नहीं, तो रेमो सर जल्दी आओ, मुझे आपसे मिलना है। रेमो सर, रेमो सर, रेमो सर, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं रेमो बाबू, हमसे कब मिलने आओगे रेमो बाबू? आपका जो बाल है ना वो खरा खरा होता है, वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके जैसे बाल का इतना बड़ा। That's called performance. That's wall performance. Call, 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 call. Now that's what I call a performance. That's what I call a performance. Now that's your color performance. Yes, sir. Now that's your color performance. मैं कितने बार बोलूँ यार? इतना अच्छा वीडियो मैंने पहले कभी नहीं देखा सीरियसली। और इतना अच्छा कि बोलते बोलते एक दूसरे को थप्पड़ मारने थप्पड़ मार दिया। दिव्या एक तो डेढ़ पसली है और ऊपर से सबसे ज्यादा पहले झगड़ा करने को तू जाता है। वैसे रेमो सर आपको एग्जैक्टली समझ आया कि जीतू मोनी कहना क्या चाह रहा था? कंफ्यूजन था मुझे थोड़ी देर के लिए, वो धर्मेश याद आ गया था जो वो ट्राई कर रहा था ना पहली बार, थोड़ा था हाँ, थोड़ा थोड़ा उसने भी ट्राई किया था। हाँ तो जीतू मोनी क्या कहना क्या एग्जैक्टली अभी बोल दो यार मेरे को, मतलब क्लियर कुछ समझ में आ जाए। हाँ बोलो। नाउ दैट्स अ कलर परफॉर्मेंस। नाउ दैट्स व्हाट आई कॉलर परफॉर्मेंस। कॉलर कॉलर परफॉर्मेंस, कॉलर परफॉर्मेंस। एक बार जीतू मोनी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू जीतू मोनी। सबको नचाएंगे